मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। गढ़ाचार्य विराट सागर जी महाराज, आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज एवं मेडिटेशन गुरु मुनि श्री बेसंत सागर जी महाराज की प्रेरणा से संपन्न हुए पंच कल्याणक महोत्सव के अंतिम दिन प्रातःकाल मोक्ष कल्याणक की क्रियाविधि एवं मध्याह्न में गजरथ फेरी के साथ महामहोत्सव संपन्न हुआ। गजरथ यात्रा पूरे पंच कल्याणक महोत्सव की आन बान शान माना जाता है। महामहोत्सव की अंतिम मेला पर गणाचार्य विराट सागर जी महाराज ने कहा कि समोह शरण में जिनेन्द्र प्रभु की दिव्य ध्वनि उनकी आयु 84 लाख वर्ष पूर्व के लगभग एक माह शेष रहने तक अनवरत भव्य जीवों के कल्याण हेतु कृति रही है। संयोग केवली अवस्था में भगवान जीव विवाकी, पुद्गल विवाकी, क्षेत्र विवाकी व भव विवाकी इन चार कर्मों की 63 प्रकृति का क्षय करते हैं। इस प्रकार भगवान को निर्माण मोक्ष प्राप्ति के पश्चात सारी सभा में मोक्ष कल्याणक की अपार खुशियों का माहौल छा गया। दोपहर 12 बजे गजरथ फेरी बाजे के साथ निकाली गई। हाथी पर बैठकर जैन ध्वज पताका लेकर इंद्रगण चल रहे थे। विशेष रथ पर श्री जी के लिए स्वधर्म इंद्र तरुण जैन सवार थे, जबकि अनूप जैन, अभिषेक जैन द्वितीय रथ पर श्री जी को लेकर चल रहे थे। अयोध्या नगरी की परिक्रमा करने के बाद गणाचार्य विराग सागर, आचार्य प्रमुख सागर, मुनि बेसंत सागर सहित समस्त साधुगण गाजे बाजे के साथ लालपुरा स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे। खबर हरपल के लिए अभिनंदन जैन की खबर। पूरा गजरा दाल